फ्रेंड्स, घर में यदि कुछ ड्रिल वगैरह करना हो, कुछ यदि कील वगैरह लगानी, फोटो फ्रेम वगैरह लगाने हैं, या फिर कुछ आप पर्दे वगैरह लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है एक ड्रिल मशीन की। और यदि आप अपने होम यूज़ के लिए एक ड्रिल मशीन परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ड्रिल मशीन प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, जो कि हमें भेजा है बिल्ड स्किल कंपनी ने। तो चलिए इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर जो ड्रिल मशीन है वो क्या किन किन फीचर्स के साथ में आपको देखने मिल जाती है। साथ ही साथ में हम इसका आपको लाइव रिव्यू दिखाने वाले हैं, इसका यूज़ करके हम बताएंगे कि कैसा है ये प्रोडक्ट और क्या ये आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें बताएंगे इसके। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये रहा बॉक्स, तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर का जो रैपर है वो निकालते हैं, इसको अलग करते हैं। तो फ्रेंड्स, पैकिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की गई थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके जो ब्रांडिंग है यहाँ पे बिल्ड स्किल प्रो, तो यहाँ पे ये जो कंपनी है, तो इसका जो प्रोडक्ट है, हम चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। अब तो ये बॉक्स को हमने कुछ इस टाइप से ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर हमको यहाँ पे देखने मिल जाती है एक ड्रिल मशीन, तो चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो बॉक्स खाली हो चुका है। अब इसके अंदर से सबसे पहले एक हमको यूज़र मैनुअल देखने मिल जाता है और एक यहाँ पे एक पार्ट है, ये शायद तक एक कार्बन टाइप से है, तो इसका हम यूज़ क्या करेंगे देख लेंगे हम इसको आगे। और ये यूज़र मैनुअल है तो इसको हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे एक ये प्लास्टिक का आपको यहाँ पे देखने मिल जा रहा है, इसका क्या यूज़ है अभी देखते हैं हम। साथ में एक ये हैंडल है इस ड्रिल मशीन को होल्ड करने के लिए। और यहाँ पे आपको देखने मिल रही है एक ड्रिल मशीन, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ड स्किल के, यहाँ पे बिल्ड स्किल प्रो यहाँ पे ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने मिल जा रही है। साथ ही साथ में इसकी जो यहाँ पे आपको एक की देखने मिल जाती है। और यहाँ पे ये काफ़ी सारे यहाँ पे आपको यहाँ पे जो आगे के ड्रिल मशीन में जो पिन लगती है, तो ये आपको देखने मिल जा रही है। यहाँ पे यदि हम इसकी बात करें तो आपको यहाँ पे 11 से 12 पिन आपको यहाँ पे देखने मिल जा रही हैं, जो कि अलग लगभग सब सेम ही साइज़ की हैं आपको यहाँ पे देखने मिलती हैं। साथ ही साथ में ये की का जो यूज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये की का यूज़ आपको यहाँ पे देखने मिलता है कि इस टाइप से आप इसको टाइट कर सकते हैं और यहाँ पे लूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपको जैसे कि ये पिन आपको यहाँ पे लगानी, तो इसके लिए आपको इस की हेल्प लगेगी और इसके थ्रू आपको यहाँ पे इसको लगा करके ऐसे ढीला करना है इसको, और या फिर टाइट करना है, तो जो भी आप इससे कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसको अरेंज कर लेते हैं और देखते हैं इसका जो यूज़ है। हम इसको डायरेक्टली आप यूज़ करेंगे, मेरे को पर्दे भी लगाने हैं, तो डायरेक्टली हम इसी की हेल्प से हम पर्दे लगाते हैं और देखते हैं इसका जो रिज़ल्ट है कैसा है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर इस जो पिन है आगे, तो इसको टाइट कर लिया प्रॉपर तरीके से। इस की हेल्प से मैंने यहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे फुल टाइट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हैंडल है इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इसको लगाने के लिए यहाँ पे जो पेंच है वो दिया गया है, तो इसको हम लूज़ कर लेंगे और इसके बाद में इसको जो हम लगाएंगे, तो इसको हम थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं। और लूज़ करने के बाद में इसी पिन को जो है हम टाइट कर देंगे। यहाँ पे जो ये पिन दी गई है, तो इसी को हम टाइट करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है टाइट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम जल्दी से फटाफट से टाइट कर लेते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से मैंने टाइट कर लिया है, तो अब जो है ये हैंडल जो है पकड़ने में थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि जब हम ड्रिल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट होती है मशीन, तो इस कारण से जो ग्रिपिंग है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, जिस कारण से हम जो ड्रिल है वो प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो अब यहाँ पर जो ग्रिपिंग है इसी मशीन की काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो चलिए अब हम इसे ट्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है कि कहाँ कहाँ पे मेरे को ड्रिल करना है, तो चलिए अब यहाँ पे ड्रिल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दिया है और यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो आवाज़ है कुछ इस टाइप से आपको सुनाई दे रही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐसी है कि जैसे मैं स्लो दबा रहा हूँ मशीन को, तो स्लो काम कर रही है और फास्ट थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ज़्यादा देर तक इसको जितना हल्का पुश करूँगा उतना स्लो काम कर रही है, और जितना तेज पुश करूँगा उतना तेज काम कर रही है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। जैसे नॉर्मली मैंने देखा ड्रिल मशीन में कि आप यदि बटन दबाते हो तो सीधे डायरेक्टली वो तेज काम करना स्टार्ट करते हैं, बट ये एक एक्सीलेटर टाइप से वर्क कर रहा है कि आप हल्का सा पुश कर रहे हो, तो ये आप देख रहे हो कि हल्का धीमे 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 आप यहाँ पे ड्रिल जो है मशीन रन कर रही है, और जितना तेज आप पुश करोगे तो उतना तेज रन कर रही है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, तो चलिए यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं इसको।
तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, पसीना भी आ चुका है, और यहाँ पे मैंने इसको एंगल को यहाँ पे जो क्लैंप है यहाँ पे कस दिया है, और दूसरा क्लैंप पे मैंने वहाँ पे देखे वहाँ पे दूसरा क्लैंप जो है वहाँ पे लगा दिया है, और सारी चीज़ें हैं, और जो पाइप है तो पाइप में मैंने पर्दे भी लगा लिए हैं, और इसके बाद में इसको सिंपली मेरे को लगाना बस है। तो यहाँ पर मैं इसको भी कस दे रहा हूँ। तो ये जो हमारा जो पाइप है प्रॉपर तरीके से लग चुका है हमारा, जो अब हमारा जो पर्दा है काफ़ी अच्छी तरीके से लग चुका है, और कैसा लग रहा है पर्दा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये जो मशीन है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो इस मशीन को नॉर्मली मैंने ड्रिल मशीन दूसरी भी यूज़ की हैं, तो ड्रिल मशीन में होता क्या, एक्चुअली मेरे को इस मशीन में एक ही खास चीज़ जो अच्छी लगी वो ये है कि ये जो मशीन है, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो मशीन है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ऊपर ये हैमर का एक ऑप्शन मिल जाता है, एक ड्रिल का ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि ये हैमर वाला जो ऑप्शन है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि यदि मैं हैमर वाले साइड में यदि इसको मैं ऑन करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें हैमर वाले ऑप्शन साइड में मैं ऑन कर रहा हूँ तो डायरेक्टली ड्रिल के जैसे रन कर रही है, और ड्रिल के साइड में ओपन मतलब यहाँ पर चालू कर रहा हूँ ड्रिल के साइड में बटन को मैंने करके, और ये चालू कर रहा हूँ तो ये भी वैसे ही काम कर रही है। अब हो सकता है कि मुझे समझना पड़ेगा इसके लिए कि क्या कैसा है, इसका फंक्शन क्या कैसा है, हो सकता है मे बी कि इसके अंदर इसमें। तो फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे ये रिवर्स भी चलती है, तो ये जो बटन आप देख रहे हैं यहाँ पे बटन है, ये दोनों साइड में आपको ये बटन देखने मिल रहे हैं, तो यदि आप इस साइड करेंगे तो ये ऐसे ऐसे रन करेगी, और आप इस साइड करेंगे तो ये ऐसे रन करेगी। तो आप देख पा रहे होंगे यदि मैं बटन को इस साइड कर दे रहा हूँ तो ये इस साइड घूम रही है, मतलब ऐसे घूम रही है, और यदि मैं उस साइड कर दे रहा हूँ बटन को तो वो ऐसे घूम रही है। यानी कि आप इससे स्क्रू वगैरह भी जैसे ओपन करना है तो नॉर्मली आप इससे ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हल्की सी जैसे कि मैं आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हल्का सा यदि मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें धीमे धीमे चल रही है, आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे, और जैसे जैसे मैं इसको तेज़ी से प्रेस करूँगा तो वैसे ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड से, यानी कि पूरे एक प्रकार का ये एक्सीलेटर है आपका, इस ड्रिल मशीन का ये एक्सीलेटर है। तो जितनी स्लो प्रेस करेंगे आप इसको तो उतना धीमे चलेगी ये, और जितना ज़्यादा तेज़ी से प्रेस करेंगे तो उतना फास्ट चलेगी ये। तो ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका, और रिवर्सिबल है, तो यानी आप इसको दोनों साइड आप इसको रन कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ में यहाँ पे वाटर लेवल का भी है, जैसे आप ड्रिल कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे वाटर लेवल देखने मिल जाता है, तो जैसे आप ड्रिल कर रहे हैं तो ड्रिल आपका एकदम सीधा हो, तिरछा नहीं हो जाए होल जो है आपका। तो इसलिए ओवरऑल मुझे तो अभी तो फ़िलहाल ठीक लग रही है मशीन, काफ़ी अच्छी है चलने में, और लाइट वेट भी है, कोई ज़्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी मशीन हैवी होती हैं तो आपको क्या है पकड़ करके जब आप ड्रिल करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और काफ़ी सारी मशीन मैंने देखा जब ड्रिल करते हैं ना तो वो वाइब्रेट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ये वाइब्रेट उतना ज़्यादा नहीं कर रही थी, काफ़ी स्मूथली ये जो है रन कर रहा था। तो ये जो मशीन है काफ़ी अच्छे से रन कर रही थी। ये जो पिन है ये आपको अलग से ख़रीदनी पड़ेंगी, मार्केट में मिल जाती हैं, क्योंकि जितने पैकेट में आई हैं जो इस मशीन के साथ में काफ़ी ज़्यादा पतली पिन थी, तो ये मैंने पिन चेंज करी है, तो ये आपको यहाँ पे परचेज़ करनी पड़ेगी अलग से। तो ओवरऑल यदि मशीन का ओवरऑल रिव्यू यदि मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे फ़र्स्ट टाइम यूज़ करके, और इसे मैं यूज़ करूँगा अब। हालांकि ड्रिल का उतना ज़्यादा काम यूज़ होता नहीं है, तो जैसे कभी कभार आपको कुछ फ़ोटो फ्रेम वगैरह लगाने हैं रूम पे, तो उन सब चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस होम यूज़ के लिए काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इस मशीन को यूज़ करने में। यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप इनके जो वेबसाइट है बिल्ड स्किल, इस पर आप जा सकते हैं, तो वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे होम यूज़ के लिए काफ़ी सारे आपको चीज़ें देखने मिल जाएंगी, होम गार्डन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी, तो उसमें आप वेबसाइट में जा करके चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो जा करके एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ में शेयर जरूर करिएगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।